कुशीनगर जिले की कस्या तहसील में आयोजित तहसील दिवस के मौके पर उस समय अजीब स्थिति बन गई जब एक मासूम बच्चा अपनी जमीन के दस्तावेज लेकर एसडीएम के सामने हाजिर हुआ। बच्चे ने जब अपनी शिकायत एसडीएम को सुनाई तो हर कोई हैरत में रह गया। दरअसल ये केवल शिकायत भर नहीं थी बल्कि मौजूदा व्यवस्था का कच्चा चिट्ठा था। बच्चे ने बताया कि बंटवारे का विवाद 4 साल से चल रहा है। 2 साल पहले नापी का आदेश भी हो गया था लेकिन अब तक नापी नहीं हो पाई है, जबकि तहसील के चक्कर काटते हुए उसकी मां बीमार पड़ चुकी है। तहसील दिवस में पहुंचे 12 साल के मासूम आर्यन ने बताया उसके पिता गुजरात में रहकर नौकरी करते हैं, घर पर वो और उसकी मां रहते हैं। उसके परिवार में जमीनी विवाद का मामला है और इस संबंध में साल 2021 में ही नापी का आदेश हो गया था। जब से नापी कराने के लिए उसकी मां रोज रोज तहसील के चक्कर काट रही है लेकिन इस समय वो इतनी बीमार है कि तहसील भी नहीं आ सकती। ऐसे में मजबूरी में उसे यहां आना पड़ा। आर्यन के मुताबिक नापी के आदेश के बाद भी दूसरे पक्ष के लोग मानने को तैयार नहीं है और इसके चलते विवाद का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। वहीं बच्चे की शिकायत सुनने के बाद एसडीएम योगेश्वर सिंह ने मामले का निस्तारण जल्द से जल्द करने का आश्वासन दिया। एसडीएम ने बताया मामला परिवार में आपसी बंटवारे का है और इस संबंध में मुकदमा अब जिलाधिकारी कोर्ट में लंबित है। एसडीएम ने बताया इस मामले में त्वरित निस्तारण के लिए जल्द ही दोनों पक्षों के वकीलों को बुलाकर समाधान निकाला जाएगा। बता दें हाल ही में देवरिया में जमीनी विवाद के चलते नरसंहार हुआ था और इस घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी राजस्व अधिकारियों को साफ तौर पर कहा था जमीनी विवाद के मामलों का त्वरित निस्तारण करें। साथ ही चेतावनी दी थी कि कहीं भी जमीनी विवाद में झगड़े होते हैं तो इसके लिए संबंधित राजस्व अधिकारी को जिम्मेदार मानते हुए सख्त एक्शन लिया जाएगा। इसी तरह के मामलों के निस्तारण के लिए तहसील दिवस का आयोजन पहले से ही होता रहा है।